online classes. Beta, we are going to continue our previous video in which we are discussing about our third chapter, that is digestion of food, यानी कि भोजन का पाचन, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे शरीर में भोजन का जो पाचन है कैसे पचता है, वो कौन सी प्रोसेस है जिससे हमारे शरीर के अंदर भोजन पच रहा है. ठीक है, क्लास फोर्थ सब्जेक्ट EBS. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, कि हमारे माउथ के बाद जो फूड है फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है, तो स्टमक में क्या हो रहा है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था. प्लीज ओपन योर बुक्स और एक बार फिर से देख लेते हैं डाइजेशन इन स्टमक क्या था. फूड गोज टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप. हमने देखा था कि जो फूड है फूड पाइप के थ्रू कहां जा रहा है, स्टमक में जा रहा है. स्टमक मसल्स चर्म द फूड विद मोर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द स्टमक. स्टमक मसल्स यानी कि जो हमारे स्टमक में मांसपेशियां हैं वो फूड को और भी ज्यादा पतला कर देती है, उसको मथ देती है, बिल्कुल उसका पेस्ट बना देती है. विद मोर डाइजेस्टिव जूस, स्टमक के अंदर, ये स्टमक है ठीक है, इस स्टमक के अंदर क्या है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस है, तो वो डाइजेस्टिव जूस फूड पाइप से जो फूड आया है, ये फूड पाइप है, यहाँ से जो फूड स्टमक में आया है इस फूड के अंदर क्या कर देते हैं, और भी ज्यादा डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट कर देते हैं और वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है. ठीक है, डाइजेस्टिव जूस जब फूड के साथ मिक्स हो जाता है तो फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, इन सब का ब्रेकडाउन करना जरूरी है. तो क्या करेगा वो फूड, जब डाइजेस्टिव जूस फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देते, दे ब्रेकडाउन द प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस. फूड के अंदर जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स है, दूसरे सब्सटेंस है और प्रोटीन्स है, उनका ब्रेकडाउन कर देते हैं और उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको बिल्कुल सिंपल बना देते हैं, सिंगल यूनिट, जिससे हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं अलग अलग पार्ट्स के वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, और एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे बॉडी के पार्ट्स को क्या दे, एनर्जी प्रोवाइड करे. ठीक है, उसके बाद देखा था कि जो फूड है हमारे स्टमक में 3 आवर्स तक रहता है, यानी कि उसका जो डाइजेशन प्रोसेस है स्टमक के अंदर 3 आवर्स तक चलता है. ठीक, अब 3 आवर्स के बाद हमारे पेट में क्या है, मैंने आपको इंटेस्टाइन बताया था कि कैसी होती है इंटेस्टाइन, जिसको हम आंत बोलते हैं. ठीक है, दो होती है हमारे स्टमक में, एक स्मॉल होती है एक लार्ज होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, तो हम देखेंगे कि 3 आवर्स के बाद जब फूड इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो क्या होगा, कि जिससे कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है. देखो, फ्रॉम स्टमक फूड गोज इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक के बाद फ्रॉम स्टमक कहां जाएगा, फूड गोज इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, कहां जाएगा, स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. ये क्या है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां देखो इसमें ये क्या है, ये स्टमक है. स्टमक के बाद फूड जो है यहां से कहां आ रहा है, स्टमक, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा. फ्रॉम स्टमक फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. यहां पर क्या होगा, हियर फूड इज मिक्स्ड विद सम मोर डाइजेस्टिव जूस. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत सारे क्या है, डाइजेस्टिव जूस है, जो स्टमक से आए हुए फूड के अंदर मिक्स हो जाएंगे. ठीक है, और उसका कंप्लीट डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे. तो हियर फूड इज मिक्स्ड विद सम मोर डाइजेस्टिव जूस. क्या होगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मिक्स्ड विद मोर डाइजेस्टिव जूस. ठीक है, फूड जो है और दूसरे पाचक रस के साथ मिलना स्टार्ट कर देगा. रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, अब देखो प्रोटीन का डाइजेशन तो स्टमक में स्टार्ट हो गया था, उसके बाद हमारे फूड में और भी दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स है, जैसे फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब क्या है, और जो कंप्लीट प्रोटीन भी कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ था स्टमक में, तो कंप्लीट डाइजेशन कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में. रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, रेस्ट मींस बचा हुआ, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे फैट है,
कार्बोहाइड्रेट्स है और बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन है एक्सेट्रा आर डाइजेस्टेड हियर। सारे फूड का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता, प्रोटीन का भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का डाइजेशन होगा। कहां पर कंप्लीट डाइजेशन होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है तो क्या कहेंगे हम? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। और ये पूछे कि फूड स्टमक में कितने टाइम के लिए रहता है तो 3 आवर्स के लिए रहता है। ठीक है। अदर बॉडी ऑर्गन्स सच एज लिवर एंड पैनक्रियास पोर देयर जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच हेल्प इन द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अब देखो लिवर भी है बॉडी के अंदर, पैनक्रियास भी है ना, तो वो क्या करेंगे, वो वहां पर फूड नहीं जा रहा, वो अपने अपने जूस को इंटेस्टाइन में ही क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, यहीं भेज देंगे अपने जूस को कि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में उनके जूस भी फूड के साथ मिक्स हो गए और फूड का कंप्लीट डाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, सबसे फूड क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स हो गया, फैट, कार्बोहाइड्रेट और अनडाइजेस्टेड प्रोटीन। अनडाइजेस्टेड प्रोटीन क्या होगा यहां पर? स्टार्स डाइजेस्टेड हियर, ये लिख देते हैं डाइजेस्टेड हियर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फैट का, कार्बोहाइड्रेट का और अनडाइजेस्टेड प्रोटीन जो है वो यहां पर डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद लिवर एंड पैनक्रियास, अग्नाशय बताया था ये, पैनक्रियास अपने अपने जूस को रिलीज देयर जूसेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो देखो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन। जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का तो उसके बाद हमारी बॉडी के सेल्स, मैंने आपको बताया था कुछ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के अंदर छोटे छोटे जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते, तो उन्हीं से हमारी बॉडी बनी हुई है। जब फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा तो वो सेल्स क्या करेंगे, फूड को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे अलग अलग पार्ट्स में और वहां से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो आज हमने देखा है कि डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे हो रहा है। तो कैसे हुआ था, सबसे पहले फूड पाइप के थ्रू फूड कहाँ आया, स्टमक में आया, स्टमक में प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ लेकिन कुछ डाइजेशन हुआ, स्टमक में डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो गए और इसको प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन में चेंज करना स्टार्ट कर दिया। स्टमक में 3 आवर्स फूड रहा, फूड के 3 घंटे स्टमक में रहने के बाद फूड विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। यहाँ पर और भी ज्यादा क्या है, डाइजेस्टिव जूस है, स्मॉल इंटेस्टाइन में और दूसरे जो डाइजेस्टिव जूस है वो फूड के साथ मिक्स हो गए और उसके बाद लिवर और पैनक्रियाज ने भी अपने अपने जूस कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही रिलीज कर दिया और फूड को क्या कहा कि मतलब कि फूड के अंदर उनको मिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सारे जूस मिलने के बाद फूड को कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल बना देते हैं ताकि हमारी बॉडी उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर ले, तो उस फूड को बिल्कुल सॉल्युबल फूड बना देते हैं, सिंपल फूड बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से फूड क्या हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन, जैसे कि फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, कंप्लीट डाइजेशन, सब कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है, सब कुछ सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है ताकि इजिली एब्जॉर्ब हो सके वो, तो ये यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे आगे जो है कि एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, कैसे एनर्जी मिलेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।